जहां एक तरफ वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भारत हार कर परेशान है और 140 करोड़ भारतीय अवाम इस हार से दुखी है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया में यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि इस हार का जिम्मेदार पीएम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम थी, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के स्टेडियम में आने से भारतीय टीम पर दबाव बढ़ गया और भारतीय टीम इस दबाव को झेल नहीं पा रही है, जिसके कारण भारतीय टीम का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी उस तरह नहीं रहा। और कुछ लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी 10 ओवर के बाद आए थे। नरेंद्र मोदी 10 ओवर के बाद आने से कोई भी विकेट भारतीय टीम नहीं ले सकी थी। भारतीय टीम पहले 10 ओवर में 3 विकेट गिराकर ऑस्ट्रेलिया टीम को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रवेश किए तब से भारतीय टीम के गेंदबाज और फील्डर बिल्कुल भी दबाव महसूस करने लगे और अपने प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद भारतीय टीम का प्रदर्शन गिर गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह खबर जो मीडिया पे पनौती नाम का चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी कोई भी मैच देखने नहीं गए थे और भारतीय टीम एक तरफा पूरा टूर्नामेंट जीत कर आ रही थी, और यहाँ ऐसा क्या हुआ था? गलती बीसीसीआई की थी या गलती पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी की? आप इस बात का क्या सबूत निकालेंगे कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर जब स्टेडियम में घुसे तो भारतीय टीम बौखला गई और भारतीय टीम हार गई, वहीं जब पीएम मोदी नहीं थे तो भारतीय टीम 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को धकेल दिया था पीछे की तरफ? आप इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।